कैमरे में देख के बोलेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा कि जैसे ही लगता है ना लाइफ में सही साट हो रहा है, सब्जी सही साठ चल रही है, वैसे ना वैसे कुछ ना कुछ लबड़ा हो ही जाएगा। देखो मतलब मैं अभी जैसे जैसे अगर रायपुर चला गया था, अपना काम भी स्टार्ट कर दिया था वीडियो एडिटिंग वाला का, वैसे ही वो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, अब उस वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। यहाँ ये जब यहाँ आए ये ज़्यादा नहीं था प्रॉब्लम का बात, मम्मी की तबीयत खराब हुई भी ज़्यादा प्रॉब्लम बात नहीं था। लौड़ा ये जो फैमिली वाले हैं ना, जो रिलेटिव हैं, जो स्पेशली जो पापा की फैमिली के हैं, जो हमारे चाचा दादा और जो रिलेटिव हैं, ये लोग ना लौड़े वो लोगों को पता नहीं भाई इन लोगों की क्या है गाड़ में खुशखुशी। अरे छोड़ देना भाई, हम लोगों जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं हम लाइफ में रहन दे, छोड़ दे हमको, तो ना इन लोगों को लौड़ा अपनी उंगली करनी है। इसमें देखो मेरे को सच बता रहा हूँ, मैं मम्मी के देवी जो खराब है ना उससे उतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ जितना ये रिश्तेदार बड़े लोग से ये परेशान हो गया हूँ। अरे छोड़ दे भाई, हमारे हालात प्यार हम लोग कर लेंगे लौड़ा, जैसा है वैसा रह लेंगे, लेकिन नहीं लौड़ा इन लोगों को और जख्म में नमक डालने में लोगों को मज़ा आता है। मदद वदद कुछ करना है नहीं लौड़ा, बस बोलेंगे हाँ ये वो लौड़ा। सच में भाई मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इन लोगों की वजह से। जैसे ही लाइफ में कुछ चल होता है, सब कुछ सही स्टार्ट होता है, वैसे ही इन लोगों को कुछ ना कुछ पहचान करना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर लाइफ सही साइड चल रही होती, हम लोग सही साइड रहते हैं पता है, इतना भी नहीं, बट पता नहीं इन लोगों को लौड़ा लोग को क्या हो जाता है, मतलब क्या बोलो। अभी देखो मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी और भाई सब लोग फैमिली वाले मतलब देखो उतने हम लोग पास पैसे अभी है नहीं तो मदद किए, और लेकिन ये चाचा दादा लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई पैसे की जरूरत बताना। अरे वो देखो पता है हॉस्पिटलाइज हो गया, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो तेको करना है तो कर दे, तू ये अपना जो भी बढ़ रहा है फादर सर जो भी तेको बढ़ रहा है तो दे दे। नहीं लेकिन क्या बोलेंगे लौड़ा, जब पैसे की जरूरत हो तो बताना। अरे भाई जब तेको पता है कि प्रॉब्लम है तो हेल्प कर दे, अगर नहीं करना है तो लौड़ा कुछ मत कर, फिर नहीं तो मंग रहे हैं तेरे से एकदम ऐसे करके, बार में आ रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, कॉल करके पूछ रहे हैं ये है। और कल तो हद ही हो गया भाई, क्योंकि अभी कुछ दिन से हॉस्पिटल में थे तो कल तो हद हो गई भाई। जो मेरे दादा हैं क्या बोलो वो तो आधे के देखने के लिए के लोग झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं करके, मतलब हम लोग हॉस्पिटल में करके बोले थे उन लोगों को, तो कल जो थे ना दादा वो आए थे कि ये लोग सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, तो आज आए हैं फिर चाचा और चाची लोग और उनके रिलेटिव। तो भाई मतलब एक होता है यार, मतलब क्या होता है बताइए, एक इंसान होता है कि जेन्युइन हेल्प करना चाहता है, आपकी वो कदर मतलब फिक्र रहती है, कदर रहती है तो वो उसकी रहता है, और एक इंसान होता है जिसको रहती नहीं है लेकिन उसको दिखाना है कि हाँ हमें फिक्र है आपकी, हमें हम कदर करते हैं आपकी, हमें आपकी फिक्र ये चीज़ रहते हैं। तो भाई अगर नहीं है तो मत दिखाओ यार, अगर आपके दिल में नहीं है ना इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो फालतू मत दिखाओ कि अरे हाँ यार ये इज्जत हम कर रहे हैं दिखा रहे हैं तो उसकी वजह से आ रहे हैं, बार बार कॉल करके पूछ रही है। भाई नहीं करना है तो मत कर, करना है तो कर दे, उसकी वजह से यार सच बता रहा हूँ मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है इन लोगों की वजह से, बहुत ज़्यादा, और स्पेशली पापा को, और एक तो पापा वैसे भी हाइपर इंसान, मतलब ऐसा नहीं है कि जेन्युइन, कुछ लोग होते हैं नहीं कि जो जेन्युइन हेल्प करना चाहते हैं या फिर आपकी थोड़ी अंदर से रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, इन लोग सिर्फ दिखावे के लिए है कि अरे हाँ नहीं आए हैं ठीक है, कि अरे हम लोग नहीं जाएंगे तो नहीं आए हैं बोलेंगे, सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि अरे चलो यार हम लोग चले जाते हैं, नहीं तो ऐसे में बाद में फिर बोलेंगे लोग कि अरे नहीं आए ऐसे करके, सिर्फ उसके लिए है, दिल से कोई है नहीं कि मतलब कि सच में केयर वगैरह, ऐसा नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए कि अरे हाँ हम लोग आए हैं ताकि हमें बाद में मत बोले कि कुछ हो, तो सिर्फ इसलिए है। और मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा ना चाचा दादा प्यार है भाई, अगर आपको मैं सच बोल रहा हूँ, एक तो हमें हेल्प की जरूरत नहीं, अगर नहीं करना तो सीधा सीधा मत करो, खाली दिखावे के लिए मत करो, आपको भी पता है ये हॉस्पिटल हो जाता आदमी ज़्यादा आराम से 30-40 हज़ार खर्चा चला जाता है, उससे भी ज़्यादा चला जाता है अगर सीरियस रहते हैं, तब उसमें क्या बोल रहे हैं अरे पैसा भर दो, मैं हाँ ना अगर पैसा जरूरत हुई बता रहे भाई, तुमको पता है क्या, तो तुम अपनी तरफ से अगर करना चाहो जेन्युइन हेल्प करना चाहो तो दो, हमारे कैसे आता रिलेटिव ने तो दिए, हमारे पास तो नहीं थे पैसे, बट उन्होंने भी दिया ना जितना भी बन लोगों से पास है जितना भी बना उन लोगों ने दिया, तो तेरे को भी अगर हेल्प करना है तुम लोगों को अगर हेल्प करनी है तो कर दो, अगर नहीं करनी है तो फिर माँ छुदा फालतू फालतू आ जाएंगे। मेरा सच में मन नहीं हुआ मैं बाहर आ गया, मतलब मेरा मन ही नहीं उन लोगों से मिलने का, सच में यार मतलब क्या ही बोलोगे उन लोगों को भाई। मेरा मन ना तब से ज़्यादा बहुत ज़्यादा उड़ गया इन लोगों से, जब एक बारी ना ऐसी लड़ाई हुई थी, और उसमें सच कहूँ तो पापा की ऐसी देखो गलती तो दोनों साइड से रहती, बट पापा को उतनी ज़्यादा गलती नहीं थी, बस इसे पापा ने क्या करता था, बहुत ज़्यादा हाइपर वाले इंसान है तो उसने कुछ किया होगा दादा ने, उसकी वजह से उसने थोड़ी उन लोगों की लड़ाई हो गई, तब इस वजह से भाई जो थे ना मेरे चाचा दादा और जो रहते हैं मतलब जो पापा के पापा की बहन वगैरह थे वो सारे लोग ना एक्साइड हो गए थे, और हम लोगों को ऐसा फील करा जैसे कि सारी गलती हमारी है, दादा चाचा लोग ने ये कुछ किया ही नहीं है, सारी की सारी गलती हमारी थी। इस तरह से भाई हम लोग घर में आके रहते थे, खाना वगैरह खाते, तो उस दिन मम्मी ने खाना वगैरह सब चीज़ बाकायदा बनाया हुआ था, लेकिन उन लोगों ने हमारे घर में रुकना तो छोड़ो भाई, कुछ खाना वगैरह तो दूर की बात है, रुके भी नहीं, दूसरे घर पर जाके रुके,
तब से ना भाई लोगों के लिए मेरा मनना, और ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो छोटी छोटी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ है, तब से नहीं लोगों के लिए ना मेरा मन भाई, सच बताओ मैं क्या होता हूँ। अरे मतलब मेरा ये मन नहीं है भाई कि हमें नहीं चाहिए तुम लोगों की, कुछ नहीं चाहिए प्रॉपर्टी वगैरह, कुछ नहीं चाहिए, बस हमें छोड़ दो अपने हालात पे, सच बता रहा। और जैसे हम लोग सही साइड रहते हैं ना, वैसे इन लोगों की पता नहीं क्या खुजली होती है, कुछ ना कुछ वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करके झगड़ा करेंगी। लेकिन देखने रहे एक दिन लाऊंगा लौड़े इन सब लोगों की, गाढ़ा नजर ला दूँ ना तो कहना, भले ही थोड़ा टाइम लगे क्योंकि मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब वगैरह हो जाता हूँ, क्योंकि अब एक चीज़ है मतलब जीने वगैरह का थोड़ा अलग सीन हो जाता है। बट सच में एक दिन देखना इन सब के ना लौड़ा इतनी गाढ़ा जलाऊंगा ना, भले ही थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन लौड़ा एक दिन वो लाऊंगा, जिस दिन इन लोग जो हंस रहे हैं ना अभी पर कि हमारे हालात ऐसे वगैरह हैं, हमारे घर पे हालात पे फाइनेंशियल कंडीशन पे समझते हैं, एक दिन लाऊंगा लौड़ा इन लोगों की गाढ़ा नहीं जली ना क्या बताऊँ, देखना लौड़ा।